दोस्तों, जब किसी बिजनेस में सेल्स एम्प्लॉय की अगर हमें सैलरी पे करनी हो, शॉप ओनर का अगर हमें दुकान का किराया पे करना हो, गोडाउन ओनर का अगर हमें गोदाम का किराया पे करना हो, तो उसकी एंट्री हम डेबिट नोट वाउचर को देख के टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में किस प्रकार करेंगे, और मंथ एंड पे सैलरी की, शॉप रेंट की और गोडाउन रेंट की रिवर्स एंट्री हम उन एम्प्लॉयज़ के साथ, शॉप ओनर के साथ, गोडाउन ओनर के साथ किस प्रकार रिवर्स करेंगे। तो दोस्तों, ये आज हमारा जर्नल वाउचर से रिलेटेड ये पार्ट 3 है। इससे पहले जर्नल वाउचर में और कौन कौन सी एंट्री होती है, इससे पहले हम 2 वीडियो इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो अभी तक आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज इस वीडियो के साथ साथ आप उन दोनों वीडियो को भी जरूर देख लेना। उन दोनों वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और ऊपर आपको आई बटन पर भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम सीखने वाले हैं भी जर्नल वाउचर में सैलरी की, शॉप और गोडाउन रेंट की, और नेट प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में किस प्रकार ट्रांसफर किया जाता है, ये सब कुछ सीखने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और स्मार्ट काउंटिंग आरसनआर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर कर देना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल पर इसी तरीके की नॉलेजेबल और प्रैक्टिकल वीडियो लगातार अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो अकाउंट के फ्रेशर स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, तो आप इस वीडियो को 1 सेकंड भी स्किप किए बगैर एंड तक कंप्लीट देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में अकाउंट के फ्रेशर स्टूडेंट को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, जो जर्नल वाउचर से रिलेटेड हमारा फर्स्ट वीडियो था, उसमें हमने सीखा था भी डिस्काउंट की एंट्री और इंटरेस्ट की एंट्री जर्नल वाउचर में किस प्रकार करी जाती है। और जो हमारा सेकंड वीडियो था, सेकंड पार्ट था जर्नल वाउचर से रिलेटेड, उसमें हमने सीखा था जीएसटी टैक्स की रिवर्स एंट्री हम किस प्रकार करते हैं, 2 लेजर का आपस का लेजर हम जर्नल वाउचर से किस प्रकार रिवर्स करते हैं, और डेप्रिसिएशन की एंट्री किस प्रकार करी जाती है। और आज के इस वीडियो हम सीखने वाले हैं सैलरी की, शॉप रेंट की और गोडाउन रेंट की, और नेट प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में किस प्रकार ट्रांसफर किया जाता है। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं सैलरी की रिवर्स एंट्री। तो दोस्तों, सैलरी रिवर्स एंट्री का मतलब ये हो गया, अब जैसे हमारे शॉप है और उस शॉप में हमारे पास ये 2 एम्प्लॉय काम करते हैं, एक का नाम है कमल सिंह और एक का नाम है श्याम सिंह, यानी कि ये दोनों हमारे बिजनेस के एम्प्लॉय है। एक कमल सिंह जो एम्प्लॉय है उसकी है 2500 रुपये, यानी कि 2500 रुपये पर मंथ सैलरी उसको पे करनी है, और श्याम सिंह है उसकी 1500 रुपये पर मंथ उसकी सैलरी है। और इसी तरीके से विशाल सिंह है, ये शॉप ओनर है, यानी कि हमारी जो बिजनेस है वो रेंट पे है और उसका जो मालिक है उसका नाम है विशाल सिंह, और हमारा जो बिजनेस का जो रेंट है वो रेंट रहेगा उसका दुकान का 800 रुपये पर मंथ। तो इसकी एंट्री हम डेबिट नोट का वाउचर में किस प्रकार करेंगे और बाद में इसकी रिवर्स एंट्री किस प्रकार करेंगे। तो दोस्तों, हम चलते हैं हमारे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, इससे सबसे पहले हमने 3 ये डेबिट नोट वाउचर तैयार किए हैं। जो डेबिट नोट फर्स्ट है हमारा, इसमें आप देख रहे हो ये डेबिट नोट 01 है, 2/1/2021 का है, और हमने ये कैश पेड किया कमल सिंह को, रीजन एडवांस सैलरी, और ये इसकी जो अमाउंट जो हमारे से लेके गया वो 3000 रुपये ये लेके गया है। तो जैसे ही हमारे से पेमेंट लेगा, हम इस तरीके का डेबिट नोट वाउचर तैयार करेंगे और उस पर जो एम्प्लॉय हमारे से पैसा लेके जा रहा है उसके यहाँ पे सिग्नेचर भी होंगे। तो इसकी एंट्री हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में किस प्रकार करेंगे पहले, तो इसके लिए हम आएंगे वापस गेटवे टेली पे और वाउचर पे। अब हमें पेमेंट करनी है तो हम जाएंगे यहाँ पे पेमेंट वाउचर पे, और पेमेंट वाउचर में हम एंट्री करेंगे तो हम जो सैलरी जो हमने पे करी है वो करिए कमल सिंह को, तो हमें कमल सिंह के नाम से एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे रहते हुए अगर हम क्रिएट करें, आप देख रहे हैं हमारे पास कमल सिंह का एक लेजर ऑलरेडी बना हुआ है, ये शॉप एम्प्लॉय का। तो दोस्तों, इस शॉप एम्प्लॉय की जो हमने ग्रुप रखा है, अंडर ग्रुप हम इसको किसके रखेंगे वो आप आपको मैं दिखा देता हूँ। इसको हमने अंडर ग्रुप में रखा हुआ है करंट लाइबिलिटीज के। तो दोस्तों, हम करंट लाइबिलिटीज के अंडर में इसको क्यों रखा है, क्योंकि अभी तक हमारी ये हम इसको लाइबिलिटीज मानते हुए इसका ग्रुप हमने करंट लाइबिलिटीज रखा है, लेकिन इन फ्यूचर इसका बैलेंस क्या रहेगा, डेबिट रहेगा या क्रेडिट रहेगा या बिल्कुल बराबर हो जाएगा, ये किसी को पता नहीं चलता, लेकिन हम आज की सिचुएशन को देखते हुए हम इसका जो ग्रुप है इसका वो करंट लाइबिलिटीज रख रहे हैं। तो इसका करंट लाइबिलिटीज हमने इसका ग्रुप रखा है, और उसके बाद में इसकी जो पेमेंट हमने दी है डेबिट नोट वाउचर के थ्रू वो 3000 रुपये दिए।
तो हम यहाँ पर इसको डेबिट करेंगे 3,000 रुपये से, और हम डेट हम चेंज करेंगे 2/1 को 3,000, और उसके बाद क्रेडिट हम करेंगे कैश को, क्योंकि नगद पेमेंट हमने करी है। तो यहाँ पर हम इसके लिख देते हैं भी डेबिट नोट का जो डेबिट नोट वाउचर नंबर है वो 1 है, और ये इसका एडवांस सैलरी, और इस वाउचर को हम करेंगे एक्सेप्ट। इस प्रकार से एक हमारे पास एम्प्लॉय और है श्याम सिंह, इसकी जो पर मंथ की सैलरी है वो 1,500 रुपये पर मंथ सैलरी है, लेकिन अब इसने हमारे से जो पेमेंट लिया है 2/1 को, वो लिए 1,200 रुपये। तो इसकी एंट्री हम किस प्रकार करेंगे, सेम वही तरीका है। तो अब हमें श्याम सिंह का भी हमने एक लेजर ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है, वो भी हमारा ये शॉप एम्प्लॉई है। इसके आगे हिंट मैंने यहाँ पर दे दिया ताकि हमें पता चलता रहे भी श्याम सिंह हमारा एम्प्लॉई है। कई बार श्याम सिंह के नाम से हमारे पास कस्टमर भी हो सकते हैं, तो बाद में कन्फ्यूजन रहती है। तो इसका भी जो ग्रुप हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो भी करंट लायबिलिटी सेलेक्ट किया हुआ है। तो इसकी एंट्री हम करेंगे 1,200 रुपये, और क्रेडिट करेंगे इसको कैश को, और उसके बाद में डेबिट नोट का जो नंबर है वो 2 है, और यहाँ पर भी हम लिखेंगे सैलरी के रीजन से इसने हमारे से पैसे लिए हैं, और इस वाउचर को हम करेंगे एक्सेप्ट। इस तरीके से एक हमारे पास डेबिट नोट है, डेबिट नोट नंबर 3 है, और ये हमने किया है विशाल सिंह को, और इसका रीजन है शॉप रेंट, यानी कि ये विशाल सिंह है जो शॉप का ओनर है, और हमने इसको किराया पे किया है 1,000 रुपये। तो इसकी एंट्री भी हम डेबिट नोट वाउचर में करेंगे। तो हम यहाँ पर अब हमें विशाल सिंह के नाम से भी एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, तो हम एल्ट सी के साथ यहाँ पे विशाल सिंह का लेजर क्रिएट करेंगे, विशाल सिंह, और इसके आगे हम हिंट यहाँ पर देंगे भी शॉप ओनर, और इसको हम करेंगे, इसको भी हम करंट लाइबिलिटीज में रखते हुए इस वाउचर को लेजर को सेव करेंगे, और इसको हम अनरजिस्ट रखते हुए वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे, और उसके बाद में इसकी 1,000 यानी कि 1,000 रुपये हमने इसको पे किया है। तो क्रेडिट हम करेंगे कैश को, और इसके बाद यहाँ पर हम वापस देंगे डेबिट नोट नंबर 3, और यहाँ पर हिंट में रीजन भी लिख देंगे बी शॉप रेंट के रीजन से हमने इसको पेमेंट करी है, और इसको हम करेंगे एक्सेप्ट। तो दोस्तों इस तरीके से जैसे जैसे ये एम्प्लॉई है शॉप ओनर हमारे से पेमेंट लेके जाता रहेगा, इसी तरीके के हम इनके डेबिट नोट वाउचर तैयार करते रहेंगे, इनसे सिग्नेचर करवाते रहेंगे। अब जो बात आएगी वो ये आएगी भी इनकी जो सैलरी है कमल सिंह की वो 2,500 रुपये पर मंथ की है, यानी कि जो हमने सैलरी इसको पे करी है वो जनवरी मंथ में करी है। जैसे ही 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी 2021 कंप्लीट हो जाएगा, इसके 2,500 रुपये बन जाएंगे। अब इसकी एंट्री हमें रिवर्स करनी है। तो ज़्यादातर क्या होता है, जैसे हम जो भी किसी इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है या एज पर आप बुक्स के हिसाब से आप प्रैक्टिस आप कर रहे हो, तो उसमें आप एंट्री करोगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो दोस्तों हमें वन टाइम में किसी को सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश ये एंट्री नहीं होती है। एक्चुअल में जो एंट्री होती है जिस एम्प्लॉय को हमने सैलरी पे करी है उसका लेजर हमें क्रिएट करना पड़ता है, और जो सैलरी की जो एंट्री है अब हम इसकी मंथ एंड पे रिवर्स एंट्री करने वाले हैं। वो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम F7 वाउचर प्रेस करेंगे, जनरल वाउचर आ जाएगा, और उसके बाद में 31/1 यानी कि मंथ एंड पे इसकी एंट्री करेंगे। अब हमें यहां पर एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा सैलरी का। तो अब सैलरी का लेजर हमारे पास नहीं है, तो हम एल्ट सी के साथ यहां पर अब सैलरी का लेजर क्रिएट करेंगे, सैलरी अकाउंट, और ये इसका ग्रुप हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इस पे जीएसटी लगता नहीं है, तो हम इसे नॉट एप्लीकेबल करेंगे और इसको करेंगे एक्सेप्ट। तो दोस्तों हम पर मंथ की सैलरी कितनी देते हैं वो हम यहाँ पर टोटल काउंट करेंगे, यानी कि 2,500 रुपये तो कमल की है और 1,500 रुपये श्याम सिंह है, यानी कि टोटल हम 4,000 रुपये पर मंथ की सैलरी पे करते हैं। तो हम यहाँ पर जो डेबिट करने वाले हैं सैलरी को तो करेंगे 4,000 रुपये से डेबिट, और उसके बाद में हम क्रेडिट करेंगे जो हमारे एम्प्लॉई है, पहला कमल सिंह है, तो इसकी एंट्री हम करेंगे कमल सिंह, और इसका जो सैलरी है वो 2,500 रुपये है, और फिर वापस क्रेडिट हो जाएगा। अब क्रेडिट में आ जाएगा श्याम सिंह, उसकी पर मंथ की जो सैलरी है वो 1,500 रुपये है। तो ये जो सैलरी है इसकी रिवर्स एंट्री हम इस प्रकार करेंगे। तो दोस्तों ये रिवर्स एंट्री करने के बाद में क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी बुक्स पे वो भी हम देखते हैं, और इस वाउचर को हम करते हैं सबसे पहले एक्सेप्ट। तो दोस्तों सबसे पहले हम सैलरी का लेजर देखेंगे, तो जो सैलरी का जो लेजर हमें दिखेगा वो अब दिखेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आप देख रहे हो हमारी जो सैलरी यहाँ पे 4,000 रुपये ऑलरेडी है जो डेबिट हो चुकी है इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, 4,000 रुपये यहाँ पर आ चुके हैं। अब हमें इन
जो शॉप के एम्प्लॉय थे उनका लेज़र अगर हम देखेंगे तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर जाएंगे, अकाउंट्स बुक पे जाएंगे और लेज़र पर जाएंगे। अब हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कमल सिंह का यानी कि शॉप एम्प्लॉय का लेज़र को और इंटर प्रेस करेंगे। तो अब आप देख रहे हो कि इसकी जो सैलरी है, सैलरी एक्चुअल में इसकी बनती है 2500 रुपये और ये हमारे से लेके गया था 2 तारीख में 3000 रुपये, यानी कि अब इसके हिसाब से ये रह गए, ये इसने जनवरी मंथ में हमारे से 500 रुपये एक्स्ट्रा ले लिए। और इसी तरीके से हम श्याम सिंह को देखेंगे, तो अब श्याम सिंह की जो एक्चुअल में जो सैलरी इसकी बनती है वो 1500 रुपये बनती है और इसने पूरे मंथ में हमारे से लिए नकदी जो लिए कैश के रूप में वो 1200 रुपये ही लिए हैं। तो अब इसका जो आप बैलेंस देख रहे हो ये 300 रुपये क्रेडिट आ रहा है, यानी कि अब ये 300 रुपये अब हमारे इसको और पे अभी करनी है, चाहे तो ये इसी मंथ में ले सकता है, चाहे तो इसको ये नेक्स्ट मंथ में भी ले सकता है। तो यानी कि हम इस तरीके से इसकी जैसे जैसे हमारे से पेमेंट लेते रहेंगे डेबिट नोट वाउचर में इनका भरते रहेंगे और इनकी इस तरीके से पेमेंट वाउचर में एंट्री करते रहेंगे। तो दोस्तों अब आप दोनों देख रहे हो अभी इसने पूरे मंथ के अंदर श्याम सिंह ने 1200 रुपये की पेमेंट हमारे से लिए है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है इसकी सैलरी 1200 रुपये है, सैलरी इसकी 1500 रुपये ही फिक्स रहनी है। अब ये पूरे मंथ में कितने रुपए लेके जाता है वो उसके हिसाब से उस पर डिपेंड करता है। अगर ये 1500 रुपये लेके जाता है, 1500 रुपये इसकी सैलरी बनती है, तो इसका जो लेजर है हर मंथ का बराबर चलेगा। इसी तरीके से ये जो कमल सिंह का था, अब तो कमल सिंह की जो एक्चुअल में जो पर मंथ की सैलरी जो फिक्स करी हुई है वो है 2500 रुपये, लेकिन इसने हमारे से पेमेंट लिया जनवरी मंथ में 3000 रुपये। तो अब इसका मतलब ये नहीं है भी इसकी जो सैलरी है वो 3000 रुपये होगी, सैलरी इसकी 2500 रुपये रहनी है। अब जो इसका डिफरेंस है इसके बैलेंस का वो हर मंथ आगे कैरिड फॉरवर्ड होता रहेगा। और इसी तरीके से हमें एक शॉप रेंट की जो हमने एंट्री करी है विशाल सिंह के नाम से, तो उसकी एंट्री भी हमें रिवर्स करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम वापस आएंगे वाउचर पे और अब हम यहां पर एक लेजर बनाएंगे शॉप रेंट के नाम से, शॉप रेंट। ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जीएसटी इस पे लगती नहीं है, तो हम इसे नॉट एप्लीकेबल रखेंगे और इसको करेंगे एक्सेप्ट। तो अब हमारा जो शॉप रेंट था, अब जो शॉप रेंट हमारा 800 रुपये पर मंथ है जो फिक्स है, तो हम इसको जितना पर मंथ फिक्स होता है उसी के हिसाब से शॉप रेंट को डेबिट करेंगे। और उसके बाद में जिसको हमने पे करनी है यानी कि विशाल सिंह को, तो विशाल सिंह शॉप ओनर है तो हम इसका क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर हम इसका नरेशन लिख देंगे भी जनवरी मंथ शॉप रेंट, एंटर प्रेस करेंगे। तो अब ये जो शॉप रेंट है अब ये इसका इफेक्ट आएगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो अभी ये जो शॉप रेंट है अभी इसका शॉप रेंट 800 रुपये है जो यहाँ पर आ गया, लेकिन विशाल सिंह हमारे से जो पैसे लेके गया था शॉप ओनर वो 1000 रुपये लेके गया था। तो उसका बैलेंस हम देखेंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर जाएंगे, अकाउंट्स बुक पर जाएंगे और लेजर पर जाएंगे। और उसके बाद हम विशाल सिंह शॉप ओनर का अगर लेजर देखें तो अब यहाँ पर देख रहे हो इसका जो रेंट बनता है वो 800 रुपये पर मंथ का फिक्स है, लेकिन इसने हमारे मंथ में यानी कि 1000 रुपये हमारे से लेके गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है अभी हमारी शॉप रेंट का जो किराया है वो 1000 रुपये है। अब इसका जो डिफरेंस है यानी कि अब ये 200 रुपये हमारे इस जनवरी मंथ में ये इसने एक्स्ट्रा ले लिए, तो अब इसका जो बैलेंस है ये नेक्स्ट मंथ में कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर ये नेक्स्ट मंथ में मान लीजिए जैसे फरवरी मंथ में है और ये फरवरी मंथ में अगर कुछ भी नहीं उठाता यानी कि 1 रुपया भी हमारे से ये नहीं लेता है, तो इसका मतलब 800 रुपये इसके 29 फरवरी को भी क्रेडिट होंगे। तो इसका मतलब इसका जो बैलेंस रह जाएगा वो 600 रुपये क्रेडिट साइड का आ जाएगा। तो इस यानी कि हर मंथ के एंड पे हमें ये 800 800 रुपये की ये एंट्री 12 एंट्री हमें करनी ही पड़ेगी। और जैसे जैसे हमारे से ये पेमेंट नगद के रूप में लेके जाता रहेगा वो उसका इसी तरीके से ये डेबिट नोट हम इनका तैयार करते रहेंगे, डेबिट नोट में इनके वाउचर पे इनके सिग्नेचर होते रहेंगे और उसकी एंट्री हम पेमेंट वाउचर में करते रहेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से होती है इनकी एंट्री। बहुत सारे आपने देखा होगा भी आप पहली एंट्री है वो इसी तरीके से करते हो भी शॉप रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, जबकि शॉप रेंट अकाउंट की जो एंट्री होती है शॉप रेंट की या सैलरी की चाहे किसी की भी है इसी तरीके से आपका गोडाउन रेंट भी हो सकता है। अगर आपने किसी गोडाउन ओनर को अगर आपने पेमेंट पे करी है तो आपको इस तरीके का डेबिट नोट वाउचर बनाना पड़ेगा अपने बिजनेस के लिए, इसको हम बोलते हैं सेल्फ मेड वाउचर। तो और उसके बाद में इसकी पहले हमें पेमेंट भी एंट्री में करनी पड़ेगी और बाद में जितना उसका गोडाउन का किराया बनता है तो उसकी इसी तरीके की जर्नल एंट्री भी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये तो था हमारा सैलरी का और गोडाउन रेंट या शॉप रेंट का एंट्री। और उसके बाद में ये जो नेट प्रॉफिट
आता है जो हमारे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसका जो बैलेंस होता है नेट प्रॉफिट का, उसे हम कैपिटल अकाउंट में किस प्रकार ट्रांसफर करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम देख लेते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो इसके लिए हम देखेंगे वापस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आप देख रहे हो जो नेट प्रॉफिट है इस बिजनेस का वो आ रहा है 1846 रुपये और 78 पैसे। आपको मैं यह दिखा देता हूँ, ये जो नेट प्रॉफिट आ रहा है 1846 रुपये और 78 पैसे। अब इसका बैलेंस भी हमें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है, और जो हमारा कैपिटल अकाउंट है वो बैलेंस शीट में आएंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पर सुमित कुमार है जो कैपिटल अकाउंट है। तो अब ये जो 1846 रुपये 78 पैसे है, इसकी एंट्री भी हमें जर्नल में रिवर्स करनी पड़ेगी कैपिटल अकाउंट में। तो इसकी एंट्री हम किस तरीके से करेंगे, सेम वही वाउचर पर हम आएंगे और हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट। दोस्तों ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर टैली सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी बना होता है, हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप देख रहे हो यहाँ पर 1846 रुपये 78 पैसे CR बैलेंस आ रहा है, तो हम इसको डेबिट कर देंगे। तो 1846 रुपये और 78, और अब हमें जो कैपिटल है सुमित कुमार के नाम से उसमें हम क्रेडिट करेंगे। तो अब यहाँ पर इसका हम लिख देंगे यहाँ पे प्रॉफिट ट्रांसफर, और इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो अब अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे, तो अब यहाँ पर हमें नेट प्रॉफिट अभी तो यहाँ पर ये शो होएगा, लेकिन अब इसका जो बैलेंस शीट में हम देखेंगे, तो बैलेंस शीट में अब जो यहाँ पर हमें शो कर रहा था, ये जो ट्रांसफर हो चुका है इस अमाउंट के अंदर। तो दोस्तों इस तरीके से जो हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन थी भी, अगर किसी टाइप के अगर हमने कोई कैपिटल खर्चे कर रखे हैं, तो उसको हम कैपिटल अकाउंट में किस प्रकार ट्रांसफर करेंगे। तो कैपिटल एक्सपेंसेस का मतलब भी जैसे कुछ ये आप देख रहे हो, कैपिटल अकाउंट में ये दो एक्सपेंसेस है, यानी कि ये ड्राइंग्स है और एक ये इसका हेल्थ इंश्योरेंस है। तो इनका लेजर भी हमें इस कैपिटल अकाउंट में, यानी कि सुमित कुमार के अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो इसकी एंट्री हम किस प्रकार करेंगे, तो वाउचर में आएंगे, और सबसे पहले हमें उन दोनों लेजर को एक बार हम देख लेते हैं बैलेंस शीट में आके। और आप देख रहे हो एक तो है लेजर का नाम ड्रैंक्स और एक का है हेल्थ इंश्योरेंस। तो इसकी एंट्री हम करने वाले हैं वाउचर में जाएंगे और जनरल वाउचर में। तो अब हम सुमित कुमार को डेबिट करेंगे। एक तो हमारा टोटल था 1500 रुपये, अब इस 1500 में जो हमारी ड्राइंग्स थी वो है 500 रुपये की, और एक हेल्थ इंश्योरेंस था 1000 का। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ड्राइंग का जो बैलेंस और हेल्थ इंश्योरेंस का बैलेंस है वो जीरो हो चुका है, और इस वाउचर को हम करेंगे एक्सेप्ट। अब इसका इफेक्ट कहाँ पर आया, इसकी बैलेंस शीट हम दोबारा देखेंगे और एल्टा फंड के साथ डिटेल देखेंगे। तो अब जो नेट था कैपिटल अकाउंट, अब उसकी अमाउंट सुमित कुमार के अकाउंट में वन टाइम ही शो होगी। अभी इनके जो हेल्थ, अभी जो माइनस में जो शो हो रहा था, वो दोनों लेजर अमाउंट है जो इसके अमाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है। और जब इस अमाउंट पे हम इंटरप्रेस करेंगे, एक बार और इंटरप्रेस करेंगे, तो आपको यहाँ पर ये एंट्री इस प्रकार दिख जाएगी। यानी कि ये जो अमाउंट है 80,000 रुपये की, ये जब बिजनेस स्टार्ट किया था तब ये इन्वेस्टमेंट हुआ था, और उसके बाद में 1846 रुपये का ये नेट प्रॉफिट है वो भी ट्रांसफर हो गया, और उसके बाद में ये 1500 रुपये का जो इसका पर्सनली इंडिविजुअली जो खर्चा था वो हमने यहाँ पर इसके खाते में डेबिट कर दिया। तो यानी कि अब इसका ऑल ओवर जो इसका इफेक्ट आएगा वो ये रहेगा, यानी कि 81,846 रुपये इसके क्रेडिट और 1500 रुपये डेबिट। तो यानी कि जो नेट कैपिटल रहेगी इस क्लोजिंग ईयर में वो 80,346 रुपये और 78 पैसे रहेगी। तो दोस्तों इस तरीके से अगर कोई कैपिटल का एक्सपेंसेस वगैरह हो, तो हम जर्नल वाउचर के थ्रू ही कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अगर इसके अलावा ऐसा कोई और भी खर्चा हो सकता है, अब जैसा कि हम देख रहे हैं इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी हमने एक डेप्रिसिएशन चार्ट किया था, ये डेप्रिसिएशन है। अब जैसे कि हमने इस पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया था मोटरसाइकिल पे, और ये 7.5% का है, यानी कि हमने सेकंड हाफ का, यानी कि जो आफ्टर 6 मंथ है उसी के हिसाब से हमने इसका हाफ लिया हुआ है। तो अब मान लीजिए भी इसका अगर मैं कोई 10% या 20% ऐसा कोई डेप्रिसिएशन हो जो हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, क्योंकि ये जो हमने मोटरसाइकिल का जो डेप्रिसिएशन है, ये मोटरसाइकिल कोई 100% बिजनेस के लिए यूज़ नहीं किया, हो सकता है इसको कुछ हमने पर्सनली यूज़ के लिए भी किया हो। तो अगर हमें कुछ इसका जो डेप्रिसिएशन आ रहा है, इस डेप्रिसिएशन का भी अगर 10% हमें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़े, हमें जो टोटल एक्सपेंसेस है वो इस प्रॉफिट में से कम नहीं करना, कुछ एक जो डेप्रिसिएशन है वो हमें कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर करना पड़ता है। तो अगर इसका 10% अगर हम बात करें, तो 3375 × 10%, यानी कि 338 रुपये
हम इस कैपिटल अकाउंट में अगर ट्रांसफर करें डेप्रिसिएशन को, तो इसकी एंट्री भी हमें रिवर्स करनी पड़ेगी। तो वाउचर में आएंगे तो वापस हम सुमित कुमार को डेबिट करेंगे और 338 रुपये को से डेबिट और डेप्रिसिएशन अकाउंट को वापस कर देंगे क्रेडिट। यानी कि अब एक्चुअल में इसका इफेक्ट कहाँ पर आएगा, अब इस अमाउंट से हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आएगा वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप बैलेंस शीट देखोगे तो बैलेंस शीट में भी आपको ये 338 रुपये अब एक्स्ट्रा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना शुरू कर देगा। तो यानी कि अब जो नेट प्रॉफिट है वो हमारा 2184 रुपये है और पहले आ रहा था 1846 रुपये। यानी कि 338 रुपये का डेप्रिसिएशन है जो, यानी कि खर्चा वो हमने कम कर लिया। तो अब ये एंट्री हमें दोबारा चेंज करनी पड़ेगी जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करी थी। तो अब हमें जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है वो इसमें 338 रुपये और ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 1846.78 और प्लस 338 रुपये, और इसकी एंट्री हम करेंगे एक्सेप्ट। तो अब देख रहे हो यहाँ पर जो 2184 रुपये और 78 पैसे का जो बैलेंस आ रहा था, अब वो सारा का सारा हमने लेस ट्रांसफर्ड में यहाँ पर हो गया। अब इसके अमाउंट यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा और ये सारा का सारा पैसा सुमित कुमार के अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये शॉप रेंट की, गोडाउन रेंट की, शॉप ओनर की और ये जो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होता है, ये हमें इस प्रकार से प्रैक्टिकली रूप से एंट्री करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करिए तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल पर इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।